हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज सैटरडे है और अभी टाइम हो रहा है 12 बजे का और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। तो आज मैंने पहनी है ये वाली कुर्ती, ऊपर से पोंचू। बहुत ज़्यादा ठंडा है देहरादून में, देहरादून में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है आज। सामने की सारी पहाड़ियों पे स्नोफॉल हो रखा है। मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ, अगर कैमरे से क्लियर हुआ तो ज़रूर देख पाओगे। तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है जिसकी वजह से बहुत ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ नोनो भी मेरे साथ रेडी हो गई है। से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो आफ्टरनून हो चुकी है और हम लोग निकल रहे हैं डोईवाला के लिए, क्योंकि कल के ब्लॉग में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि आशु एमी जा चुके हैं। मैं और उन्होंने आज जा रहे हैं और हम लोगों की इतनी तकड़े वाली गुगली हुई है ना आज कि मैं आपको क्या बताऊं। तो चलो बता देती हूँ। तो कल के ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि नोनो का आज स्कूल है, क्योंकि कल की उसकी छुट्टी हो गई थी। मगर रात को जब आशु और चले गए, यानी कि ये लोग निकले थे 7:30 बजे करीब, और ये लोग निकले हैं। फिर उसके बाद डिनर वगैरह मैंने और नोनो ने किया। हम लोग फ्री होके बैठे, पॉपकॉर्न वगैरह इंजॉय कर रहे थे। और 9:30 बजे हम लोग के पास मैसेज आया। एक्चुअली इनके स्कूल से, नीति के स्कूल से ना हमेशा मैसेज आता है छुट्टी वगैरह के लिए। तो मेरे पास 9:30 बजे मैसेज आया कि आज छुट्टी है, क्योंकि आज भी डीएम ने डिक्लेयर कर दिया है, डीएम ऑर्डर हो गए हैं छुट्टी के लिए। इतना गुस्सा आया है ना, इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब थोड़ी देर पहले अगर मैसेज आ जाता तो हम लोग भी आशु के साथ में ही निकल जाते डोईवाला। सिर्फ इसलिए रुकी थी मैं क्योंकि इसका स्कूल था मैडम का। और इतना हम लोग को गुस्सा है। फिर मैंने मॉर्निंग में आशु को कॉल, फिर मैंने रात को ही आशु को कॉल किया, उनको बताया कि यार अभी अभी इसके स्कूल से मैसेज आया है कि छुट्टी है कल, तो क्या कर सकते थे। तो अभी निकलते निकलते काफी लेट हो चुके हैं, क्योंकि हाउस हेल्पर मेरी आई थी 11 बजे, तो उनको भी काम करते करते थोड़ा लेट हो गया। तो अब मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ। एक बार आप लोग को अपना आउटफिट दिखाती हूँ मैंने क्या पहना है, फिर हम लोग सीधा निकलते हैं डोईवाला के लिए और वहां पहुंच के आप लोगों से मैं बात करती हूँ। Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. अभी मैं आ गई हूँ बालकनी में। मैंने सोचा मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ स्नोफॉल। तो ये जो पहाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी, कि बहुत ध्यान से अगर दिखेगा तो आपको दिख जाएगा कि वाइट वाइट हो रखी हैं, तो इन पे हो रखा है स्नोफॉल। इसी वजह से देहरादून में बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल होने के बाद बहुत ठंडी सी हवा चलती है जिसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी के बाद से, स्नोफॉल के बाद से ही ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है देहरादून में। तो देखिए आज तो बहुत ज़्यादा बर्फ है, पीछे की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं सब वाइट हो रखी हैं। और ये कैमरा जो है वो मोबाइल का कैमरा है, इसलिए शायद मे भी कैप्चर नहीं कर पा रहा है ढंग से। तो आप लोगों को स्नोफॉल दिखाने के बाद मैं और नोनो निकल चुके हैं डोईवाला के लिए। तो सबसे पहले मैं ऑटो से जा रही हूँ बस स्टैंड तक, क्योंकि हम लोग बस से ही जाने वाले हैं, आशु डोईवाला हैं तो वो हमें डोईवाला से पिक कर लेंगे। तो डोईवाला तक मैं और नोनो ट्रैवल करने वाले हैं आज बस से, और बहुत सालों बाद मैं बस से ट्रैवल कर रही हूँ, अच्छा लगेगा आज। पर देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है, क्योंकि ये जो सिटी बसेस वगैरह होती है ना बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। मन तो नहीं था मेरा, मगर क्या करें, जाना पड़ेगा। तो मैं चलती हूँ, पहुँचती हूँ डोईवाला, फिर उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं डोईवाला और आशु आ गए थे हम लोग को लेने के लिए, तो सीधा घर जा रहे हैं। मैंने सोचा रास्ते में थोड़ा सा आप लोग के लिए शूट करूं, क्योंकि बहुत अच्छी ग्रीनरी है, बहुत अच्छा मौसम है आज। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी अभी जस्ट मैं पहुंची हूँ डोईवाला, और डोईवाला पहुंचते ही हम लोगों ने सबसे पहले लंच किया, क्योंकि काफ़ी देर हमें लग गई थी। और मैंने नोनो ने ना सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था मॉर्निंग में, इसलिए ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और हम लोग पहुंच गए थे, 2 बज गया था हमें पहुँचते पहुँचते, क्योंकि हम लोग आए हैं बस से और बस ने इतना ज़्यादा, जो सिटी बस होती है ना उनमें मैं और नोनो आए हैं, इतना ज़्यादा लेट कर दिया, इतना ज़्यादा हम लोगों की झेल हो गई ना बस में बैठे बैठे, क्योंकि बहुत जगह रुकती है।
रुकी है डोईवाला आते आते, बस इतनी जगह रुकी है कि सीरियसली हमें हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी इतना आ रहा था। तो हम लोगों को 1-1.5 घंटा लग गया है डोईवाला तक आते आते, क्योंकि हम लोग पहुंचे थे, हम लोग वहां से चले थे 12:15 पे हम लोग चले थे, और 1:30-2 करीब हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। दिमाग का बिल्कुल ऐसा हालत हो चुकी है ना, बहुत ज्यादा। तो आते ही सबसे पहले हम लोगों ने लंच किया। मम्मी ने बनाया हुआ था चने की दाल, चने की मसरी की मिक्स करके दाल बनाई हुई थी, साथ में चावल। तो सबसे पहले आते हमने लंच किया है, फिर उसके बाद अब मैं फुर्सत होके बैठी हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। और आप लोग कैसे हैं बताइएगा, मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मॉर्निंग में तो मैं आप लोगों से, आफ्टरनून में तो जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, बिल्कुल आपसे बात नहीं कर पाई। बहुत जल्दबाजी में थोड़ी बहुत बात करके मैं निकल गई, और निकली भी तो फिर इतने देर बाद यहाँ पहुँची हूँ, और यहाँ भी काफ़ी अच्छी खासी ठंड है। तो अभी मैं जा रही थी अपने रूम में, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, फिर उसके बाद शाम से दोबारा से अपने व्लॉग को आप लोग के साथ कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि एमी नोनो तभी दोनों सोते हैं अगर मैं उनको लेकर के लेटूंगी। तो मैं थोड़ी देर जा रही हूँ, रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी डोईवाला का हरा भरा सा व्यू, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है यहाँ की हरियाली। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी सी देर में। अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 और मैं आ चुकी हूँ किचन में, और मैं यहाँ गर्म कर रही हूँ मखाने। तो मैं थोड़े से घी में मखाने भून रही हूँ, क्योंकि बाहर एमी बैठा हुआ है, उसको भूख लग रही है और अभी डिनर मैंने प्रिपेयर नहीं किया है। तो मखाने भूनने के बाद फिर मैं डिनर को तैयार करूँगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर की भुर्जी, साथ में रोटी सेकूँगी, क्योंकि थोड़ा सा दूध फट गया था तो उसका मम्मी ने पनीर निकाल लिया था, तो उसी की भुर्जी मैं बनाने वाली हूँ। और एमी जी यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं बच्चों को जब भी मखाने देती हूँ तो मैं उनको थोड़ा सा घी मैं भून लेती हूँ, हल्का सा नमक डाल देती हूँ, मगर इस चीज़ का भी ध्यान रखती हूँ कि फिर घी में भुने हुए मखानों के ऊपर बच्चे पानी ना पिए, क्योंकि अगर बच्चे मखानों के ऊपर पानी पी लेते हैं तो थोड़ा सा खांसी होने का डर रहता है। तो एमी जी मखाने इंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ छोक रही हूँ सब्जी। तो सब्जी छोकने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, और ऑयल के गर्म होते ही मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, और उसके बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, लंबे लंबे मैंने काटे हैं, और साथ में थोड़ा सा मैंने गार्लिक भी लिया है यानी कि लहसुन। अब दोनों को मैं अच्छे से भून लूंगी, और इनके भूनते ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर और हरी मिर्च। और प्याज को बहुत ज़्यादा मैं नहीं भून रही हूँ, हल्का सा ही गोल्डन ब्राउन करना है, फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। तो यहाँ टमाटर भी मैंने ऐड कर दिए हैं, अब टमाटर को भी मैं अच्छे से भून लूंगी, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी सूखे मसाले। टमाटर मेरे अच्छे से भुन चुके हैं, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से मसाले, और बहुत ही बेसिक से मसाले डाल रही हूँ। तो मैंने इसमें डाला है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सब्जी मसाला, सब्जी मसाला तो मस्त रहता है क्योंकि उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्जी का, और साथ ही मैंने डाल दी है लाल मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा सा ही था क्योंकि फिनिश हो गया था, तो आधा चम्मच के करीब बचा हुआ था तो वो मैंने डाल दिया है, और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक। और मसाले मेरे भुन चुके हैं, तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है पनीर, और ये घर का निकला हुआ पनीर है, और मम्मी ने इसको कपड़े में नहीं बांधा था तो इसलिए ये क्यूब्स में मैं नहीं कट पाया है, जस्ट मैंने भुर्जी भी, वैसे भी मुझे भुर्जी बनानी थी तो पनीर को मैंने डाल दिया है। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको ढक करके थोड़ी देर के लिए पकने दूंगी, और फिर उसके बाद हो जाएगी मेरी पनीर की भुर्जी रेडी। और साथ में दूसरी तरफ
मैं सेक लूँगी गर्मा गर्म रोटी, और अभी हम लोग डिनर कर लेंगे क्योंकि ठंडा है तो ठंड में अच्छा रहता है, आप जल्दी से डिनर कर लो फिर उसके बाद रज़ाई में बैठ जाओ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर दिया है। मेरा यम्मी सा डिनर बनके हो गया है रेडी। तो यहाँ है पनीर की भुर्जी, आम का अचार, और मैंने अपने लिए सेकी है बाजरे की रोटी। तो थोड़ा सा आटा रखा हुआ था बाजरे का, तो बाकी तो किसी को पसंद नहीं है घर में, मगर मुझे बहुत अच्छी लगती है बाजरे की रोटी, तो मैंने अपने लिए बाजरे की रोटी सेकी है और बहुत अच्छी सेकी है, बिल्कुल भी नहीं टूटी है। तो इसी के साथ आज का ये छोटा सा व्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्दी आप लोगों से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।